हेलो फ्रेंड्स, तो आज के स्नैप ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी मैं घर से निकल चुका हूँ, टाइम हो रहा है 6:30 और मुझे 8:15 तक बस स्टैंड पहुँचना है, कालेसराय बस स्टैंड। तो अब मैं मेट्रो स्टेशन के लिए निकल चुका हूँ और करीब करीब मेट्रो स्टेशन पहुँचने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं मेट्रो आने में कितनी देर है। तो फ्रेंड्स, अब मेट्रो का वेट कर रहा हूँ और देख सकते हैं कि जैसा कि पूरे प्लेटफॉर्म पे सिर्फ मैं ही हूँ इस वक्त, अभी कोई नहीं आया है। वैसे भी इस स्टेशन पे ज़्यादा भीड़ नहीं होता है, तो एक बार आप देख लीजिए मेट्रो स्टेशन का नज़ारा, पूरा खाली है और मैं मेट्रो का वेट कर रहा हूँ। अब चलिए देखते हैं मेट्रो कितनी देर में आती है। मैं बस स्टैंड पहुंच चुका हूं और अभी टाइम हो रहा है 8:10, 8:30 बस यहां से खुलेगी मथुरा के लिए। तो दोस्तों अभी 20 मिनट वेट करना है और अब अपने बस की ओर जा रहा हूं मैं। दोस्तों अभी बस रुका हुआ है एक ढाबे पर, इसका नाम है जय श्री कृष्णा ढाबा। और दोस्तों ये ढाबा कोसी कला से जस्ट पहले ही पड़ता है। और दोस्तों कोसी कला का दूरी अगर आप दिल्ली से देखें तो ये करीब करीब 100 किलोमीटर पड़ता है। तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है 1:10 और फाइनली हम वृंदावन पहुंच चुके हैं। एंड आपको जो अभी मंदिर सामने दिख रहा है वो प्रेम मंदिर है, बट इस वक्त ये बंद है क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग में ही ये ओपन रहता है। दोस्तों अभी इस वक्त हम लोग निधि वन में हैं। निधि वन के बारे में ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि यहाँ पे आप रात में नहीं आ सकते हैं, नहीं घूम सकते हैं। और दोस्तों इस बार मुझे थोड़ा यहाँ पे इन्होंने जो लकड़ियों का पिंजरा सा बना दिया ये थोड़ा सा अलग है जब मैं पिछली बार काफ़ी पहले आया था। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बैनर पर कि वृक्ष व पेड़ों पर सिंदूर डालना सख्त मना है, डालते हुए पकड़े गए तो 500 रुपये जुर्माना।
फ्रेंड्स, इस वक्त मैं कृष्ण जन्मभूमि के बाहर खड़ा हूँ और एक्चुअली मैं अंदर से घूम के आ चुका हूँ, बट क्योंकि मोबाइल फ़ोन, बैग, कैमरा, ये सब अंदर ले जाना अलाउ नहीं है किसी को भी, तो दोस्तों अंदर का कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज़्यादा भीड़ है। और फ्रेंड्स, मथुरा में जितने भी जगह हैं घूमने के, उनमें उन सभी जगहों में से कृष्ण जन्मभूमि का सबसे ज़्यादा महत्व है, यानी कि ये सबसे प्रमुख स्थान माना जाता है मथुरा में। बंदर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, है ना मित्र? बहुत ज़्यादा बंदर है, पच पच के। ये देखो, एक यहाँ पे बैठे हुए भाई साहब, मंदिर जी रहते। रुको यार, धीरे चलो, जल्दी किस बात की है, यहाँ पे बंदर ही बंदर है और कुछ नहीं है। चलो ऊपर, इधर से जाना है ना, उन्होंने इधर से तो बताया था कि सीढ़ी चढ़ के जाना है ऊपर। लेकिन यहाँ पे बंदर ही है भाई, तो क्या हो गया, नहीं कुछ करेंगे, चुपचाप बैठे हुए हैं ना। कोई इनका भोजन हो रहा है सुबह सुबह। तो भाई कंस किला, इधर से जाना होगा। बट तो दोस्तों, इस वक्त हम लोग हैं कंस किला के पास, नहीं इनफैक्ट कंस किला के अंदर ही है, पास नहीं अंदर ही है, आप देख सकते हैं। चलिए अब आपको दूसरी ओर लेके जाते हैं। हाँ तो किला सुनसान ही होता है भाई, आप देख सकते हैं। अभी हम लोग, सुबह 7 बज रहा है तो अभी यहाँ पे कोई आया नहीं है, हम लोग काफ़ी जल्दी उठ गए थे इसलिए हमने सोचा कि चलो अब घूमना भी चालू कर देते हैं। तो हम लोग काफ़ी सुबह आ गए हैं। बाकी आप भी देखिए आराम से कि मथुरा की सुबह कैसी होती है, ये आप नीचे देख सकते हैं। हाँ तो पुराना ही होगा, काफी पुराना होगा, 100-200 साल तो पुराना कम से कम होगा ही। एक दो फोटो यहाँ पे मस्त है, धूप अच्छी सी आ रही है पीछे से, फोटो है यार। दोस्तों अब हम द्वारकाधीश मंदिर पहुंच चुके हैं, और अगर मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के बाद अगर कोई सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल है तो उस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है द्वारकाधीश मंदिर का। और दोस्तों कृष्ण जन्मभूमि से इसकी दूरी कोई ज़्यादा नहीं है, 1.5-2 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, तो आप पैदल भी कवर कर सकते हैं। और कल रात को हम लोग सिर्फ कृष्ण जन्मभूमि ही घूम पाए थे, क्योंकि और वो घूमते घूमते टाइम 8:30 के करीब हो चुका था और 9 बजे के बाद जितने भी मंदिर होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, तो हम लोग नहीं घूम पाए थे द्वारकाधीश मंदिर, तो इसलिए अगले दिन सुबह यहाँ पे आना हुआ। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज़्यादा भीड़ है। दोस्तों अब हम बरसाना पहुँच चुके हैं, और मथुरा में जिस तरीके से कृष्ण जन्मभूमि को
सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल माना जाता है। ठीक उसी प्रकार बरसाने में राधा रानी जी का मंदिर सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल माना जाता है। और दोस्तों मथुरा से सबसे पहले हम लोग कोसी कला गए, कोसी कला से फिर हमने वहाँ से बस लिया। कोसी कला से करीब 20 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ेगा आपको बरसाने आने के लिए, तो कोसी कला से हमने बस ली और फिर हम बरसाने आए।